सो हे गाइस, ये गाड़ी है इंडिया के करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन, महिंद्रा स्कॉर्पियो, जो कि माफिया लुक ही देती है और बोला भी जाता है कि इसे माफिया लोग ही लेते हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि इसका स्पेस काफ़ी बड़ा है अंदर। अगर जो भी लोग स्पेस खोज रहे हो अपने गाड़ी में तो आप इसे ले सकते हो। मैंने इस गाड़ी को बुलाया था टेस्ट ड्राइव के लिए क्योंकि मुझे भी कुछ ऐसा ही स्पेस वाली गाड़ी चाहिए। फिर भी मैं देख रहा हूँ मैं कौन से गाड़ी में जाता हूँ। मैं आपको इसका बूट स्पेस दिखा दूँ। काफ़ी बड़ा मिल जाता है आपको बूट स्पेस, आप देख सकते हो इतना कि पीछे भी 2 से 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका लुक दिखा दूँ तो पीछे से इसका जो लुक है कुछ इस तरह है। काफ़ी बड़ा है गाड़ी और दिखने में तो आपको पता ही है माफिया वाली लुक देती है। और जब ये चलती है तो अच्छा खासा आपको बैलेंस में मिलता है क्योंकि जब मैंने इसे ड्राइव किया तो मुझे इसके पिकअप का पता चला। अब जब भी डीजल गाड़ी चलाते हो और फिर आप आते हो अगर पेट्रोल गाड़ी में तो आपको मज़ा नहीं आने वाला है क्योंकि इसका जो स्पेस है ना और इसकी जो चाल है रोड में वो कोई भी पेट्रोल गाड़ी आपको नहीं दे सकती है। इसका स्पेस भी आप देख सकते हो, बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है। और जब ये आप इसमें एक्सेलरेट करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इसका पिकअप क्या है। ये तुरंत पिकअप पकड़ती है। लेकिन 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 इसमें एक दिक्कत यही है कि जब भी आप इसे 120 से ऊपर चलाओगे ना तो थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस का कमी आएगा। फिलहाल वो बात की चीज़ है, फिलहाल मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। साइड से कुछ ऐसा ही लुक देती है और यहाँ आप देख सकते हो जब मैं इसे हल्का में ही चला रहा था धीरे तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। लेकिन जब भी आप इसे 120 के ऊपर चलाते हो तो आपको थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, आपको संभल कर चलाना होगा। अगर न्यू ड्राइवर हो तो कुछ भी बड़ी घटना हो सकती है। इसलिए आपको इसे, अगर आप सोच रहे हो कि मैं पिकअप के लिए इसे ले रहा हूँ, तो आप ऐसा न समझे, आप इसे 100 के अंदर चलाएं, बिल्कुल ही अच्छा होगा उसके लिए। दूसरी बात हम लोग ये कर लेते हैं कि अगर आप स्कॉर्पियो ले रहे हो तो इसका माइलेज क्या निकल कर आएगा। तो जो कि मैंने बहुत से लोगों से पता कि कुछ मेरे फ्रेंड्स भी है जिसके पास स्कॉर्पियो है तो मैंने उनसे पता कि तो लगभग आपको 16 से 17 का माइलेज आपको हाईवे में मिलने वाला है जो कि न्यू स्कॉर्पियो क्लासिक आ रही है। और पहले जो स्कॉर्पियो आती थी वो लगभग आपको 14 से 15 मैक्सिमम देती थी। फिलहाल हम लोग अभी करेंट में जो स्कॉर्पियो आ रही है, स्कॉर्पियो क्लासिक, वो आपको हाईवे में 16 से 17 की माइलेज जरूर दे देगी। और अगर शहर की बात की जाए तो 13 से 14 तो कहीं नहीं है, उससे नीचे नहीं देगी। बहुत ही डीजल जिस तरह की ये गाड़ी है, जितनी ऊंची जितनी बल्की है उस हिसाब से ये माइलेज काफ़ी अच्छा दे देती है। अगर आप पेट्रोल गाड़ी की बात करें तो हम लोग बात कर लेते हैं ब्रेज़ा की, तो वो 1500 cc की गाड़ी है। फिर भी उसका जो माइलेज है बेस मॉडल का वो लगभग 16 से 17 18 मैक्सिमम है और सिटी में वही 14 से 15 है। तो वो एक तरह से स्कॉर्पियो के बराबर ही माइलेज दे रही है। बस फर्क ये है कि वो पेट्रोल गाड़ी है, ये डीजल। डीजल में माइलेज ज़्यादा होता है, इस वजह से इतनी बड़ी गाड़ी होने के बाद भी ये अच्छा खासा माइलेज देती है। तो मैं देखता हूँ कि मैं किस गाड़ी में जा पाता हूँ। और आप भी अगर आप गाड़ी लेने का सोच रहे हो तो आप सारा कुछ देखकर अच्छी तरह टेस्ट ड्राइव लेकर ही आप गाड़ी ले। आपको जल्द हड़बड़ी में कुछ जल्दबाजी नहीं करना है, हड़बड़ा के आपको कुछ नहीं ले लेना है क्योंकि आप जैसा गाड़ी लेंगे आपको वैसा खर्चा भी वो मांगेगी क्योंकि उसका इंश्योरेंस है, फिर उसके मेंटेनेंस है, आगे जाकर उसका टायर चेंज होगा, तो काफ़ी अच्छा खासा उसमें खर्चा भी होता है। तो सारा कुछ सोचने समझने के बाद ही आप गाड़ी लें। फिलहाल मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मैं स्कॉर्पियो ही लूँगा, लेकिन मेरे मेरे सेकेंड नंबर में स्कॉर्पियो है और फर्स्ट में मैं ब्रेजा ही प्रीफर कर रहा हूँ क्योंकि गाड़ी सिर्फ लेने से नहीं होगा, उसके बाद उसको मेंटेन भी करना है। तो मेरे हिसाब से ब्रेजा मेरे लिए फिट बैठ रही है और फिलहाल देखता हूँ मैं किस में जाता हूँ। धन्यवाद।